इस घोर कलयुग में मेरे बेटे के भविष्य का क्या होगा? क्या बाकी लोगों की तरह उसका जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा जिस पर चलने से मेरे बेटे का भविष्य संवारा जा सके। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। भाई जी, जरा देखना मेरी कार बंद हो गई है। ये कार देखने के बाद आपका कार देख लेता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी करना जी। हेलो, हाँ सुनो, मुझे ऑफिस आने में लेट होगा। अच्छा, मैंने मेहरा को ब्रीफ दे दी है, तुम उसे फाइल पहुंचा देना और समझा देना कि मुझे थोड़ा डिले होगा। ओके, हाँ, आई कॉल यू बैक। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? स्वामी जी, ये छोटे छोटे बच्चों के मुख से संस्कृत के श्लोक, ये मधुर संगीत, ये पारंपरिक वेशभूषा से सजे छोटे छोटे बच्चे, ये सब क्या है स्वामी जी? और ये जो बैनर पे लिखा है धर्म जीवन संस्कृत गुरुकुल, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। चलिए शांति से बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। बैठिए स्वामी जी। उस बैनर पे वो धर्म जीवन संस्कृत गुरुकुल लिखा था, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए ना। यहाँ पे जो भी माता पिता पहली बार आते हैं उनके मन में यही प्रश्न होता है। आपका नाम क्या है? जी, मैं निकुंज। निकुंज भाई, उस बैनर में संस्कृत गुरुकुल के बारे में लिखा है जिसका संचालन श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के द्वारा किया जाता है। अरे वाह, आज के जमाने में संस्कृत गुरुकुल। स्वामी जी, यहाँ पे आप बच्चों को क्या शिक्षा देते हो? हम अपने गुरुकुल में बच्चों को सनातन संस्कृति के जीवंत मूल्य सिखाते हैं, जैसे कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, योगा, भगवत आराधना, सनातन संस्कृति की रक्षा और प्रामाणिकता के पाठ। वाह स्वामी जी, यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा मिलती है ऐसी शिक्षा आजकल के स्कूलों में कहाँ दी जाती है।
और ये कितनी अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति है। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तभी तो एक आदर्श भारत का निर्माण होगा। स्वामी जी, यहाँ पर बच्चों को और क्या क्या सीखने मिलता है? वेद उपनिषद का अध्ययन, आधुनिक शिक्षण, स्पोकन इंग्लिश, प्रयोगशाला, संगीत क्लास, वैदिक याग, प्रवचन कला। पुराने गुरुकुल की शिक्षा के साथ साथ आज का आधुनिक ज्ञान, परफेक्ट है आपके एजुकेशन सिस्टम की प्लानिंग। लेकिन स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। जी पूछिए। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, गेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? निकुंज भाई, हमारे हर गुरुकुल में बच्चों के लिए मोबाइल का प्रयोग सख्त मना है। मोबाइल का प्रयोग सर्वथा वर्जित? वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन फिर स्वामी जी, बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलकूद के लिए, उनको रिफ्रेश होने के लिए कोई सुविधा है? बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए हमारे पास सुंदर विशाल प्लेग्राउंड है। इंडोर एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि चेस, कैरम, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, और जिन बच्चों को स्केटिंग में इंटरेस्ट हो उनके लिए उसकी भी सुविधा है। और हाँ, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। स्वामी जी, हमारी संस्कृति के जीवंत मूल्यों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ये कितनी अच्छी बात है। किंतु स्वामी जी, मेरे मन में और एक प्रश्न है। जी पूछिए। स्वामी जी, संस्कृत के अभ्यास से उनके भविष्य को, उनके करियर को कैसे फायदा होगा? बच्चे संस्कृत सीखने के बाद GPSC, UPSC के एग्जाम्स दे सकते हैं, संस्कृत के प्रोफेसर बनके एक उज्जवल करियर बना सकते हैं, पंडित बनके वेद यज्ञ करवा सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं, उनके लिए नासा, आर्मी, IIT में भी उज्जवल भविष्य है, आयुर्वेद में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, योगा टीचर बनके एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। अरे वाह, संस्कृत की शिक्षा के इतने सारे फायदे होते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे बड़ा फायदा है प्रधानमंत्री जी का स्वप्न, आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भय भारत, चारित्र्यशील भारत, मूल्यवान भारत, ये सारे स्वप्न भी हमारे गुरुकुल में साकार होते हैं। स्वामी जी, ये गुरुकुल है कहाँ? भारतवर्ष के श्रेष्ठ एवं पवित्रतम नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है सुप्रसिद्ध पवित्र स्थल श्री नीलकंठ धाम, जो कि गुजरात राज्य के एक छोटे से गाँव पोईचा में स्थित है। हाँ, ये नाम तो मैंने कई बार सुना है। ये श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की ब्रांच है ना? जी। स्वामी जी, आप मुझे राजकोट गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी संस्था की स्थापना 1948 में हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास स्वामी जी ने की थी। हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं परम पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी, संवाहक हैं परम पूज्य महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी जी, और नीलकंठ धाम पोईचा मंदिर के निर्माता हैं परम पूज्य सदगुरु श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी। पूरे विश्व में हमारे गुरुकुल की 59 से भी अधिक शाखाएं हैं। इन सारी शाखाओं में 40,000 से भी अधिक बच्चे संस्कार के साथ शिक्षण ले रहे हैं। हमारी संस्था में 275 से भी अधिक पढ़े लिखे संतगण हैं और लाखों की संख्या में समर्पित भक्तगण हैं। इतनी बड़ी संस्था और गुरुकुल के 59 ब्रांचेस, मेरा तो मन करता है कि दोबारा एडमिशन ले लूं इस गुरुकुल में। स्वामी जी, एक फॉर्म दीजिए ना। लीजिए। धन्यवाद। ये लीजिए स्वामी जी, ये मेरे बेटे दिव्य के एडमिशन के लिए।
स्वामी जी, इस गुरुकुल की फीस क्या है? सनातन संस्कृति के मूल्य सिखाने की फीस? हाँ जी, बताइए ना फीस। संस्कृत गुरुकुल में एजुकेशन टोटली फ्री है, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क छात्रावास। निशुल्क शिक्षा, एजुकेशन टोटली फ्री, ये तो कमाल है स्वामी जी। मतलब आजकल पेरेंट्स स्कूल की फीस को लेकर कितने परेशान रहते हैं, और यहाँ पर ये संस्कृति के मूल्यों जैसी अमूल्य विद्या बिल्कुल मुफ्त में। विश्वास नहीं होता स्वामी जी, आज से आपके सेवा कार्य में मैं भी जुड़ जाऊंगा। मेरे बेटे का एडमिशन करवा के मैंने उसका भविष्य तो धुंधला होने से बचा लिया, लेकिन मैं मेरे सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को इस गुरुकुल के बारे में बताऊंगा। उन्हें कहूंगा कि उनके बच्चों का एडमिशन भी यहाँ पे करवाए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी धुंधला होने से बचे, उनका भविष्य संवर जाए। स्वामी जी, ये सारा मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज्ञा चाहूंगा। निकुंज भाई ने तो संस्कृत गुरुकुल में उनके बच्चे का एडमिशन लेकर उसका भविष्य धुंधला होने से बचा लिया है। अगर आप भी आपके बच्चे का भविष्य धुंधला होने से बचाना चाहते हैं, तो आज ही संस्कृत गुरुकुल में प्रवेश ले लीजिए। भारत की पहचान गुरुकुल, वेद विद्याओं का ज्ञान गुरुकुल, जीवन मूल्यों का ज्ञान गुरुकुल। जय हो गुरुकुल माँ संस्कृत।